दीपावली मनाने वनटांगिया गांव पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि विगत 12 से 15 वर्षों से मैं स्वयं ही इस वन्य गांव में दीपावली मनाने आता रहा हूं। आज़ादी के बाद पहली बार प्रदेश सरकार ने जितने भी वन्य गाँव थे उसमें से 38 गाँवों को राजस्व गाँव के रूप में मान्यता देकर हम लोगों ने उनके जीवन में वास्तविक दीपावली लाने का कार्य किया है। उन्हें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाएँ केंद्र और प्रदेश सरकार ने आच्छादित करने के कार्य तेजी से किया है। इस वनटांगिया गांव में 2.5 वर्ष पूर्व एक भी पक्का मकान नहीं था, एक भी परिवार के पास शौचालय नहीं था, बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था और 2.5 वर्ष के अंदर यहां के हर परिवार के पास अपना पक्का मकान है, घर में शौचालय है, हर घर में रसोई गैस का कनेक्शन है, हर घर में सरकार की योजनाएं, राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड सहित अन्य योजनाओं से आच्छादित है। शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव किए सभी लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि सरकार की योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देखिए अयोध्या के भव्य दीपोत्सव के बाद आज दीपावली का शुभ अवसर है और विगत 12-15 वर्षों से मैं स्वयं भी इन वन्य गांवों में दीपावली के आयोजन में भाग लेने के लिए आता रहा हूं। आजादी के बाद पहली बार प्रदेश के अंदर जितने भी वन्य गांव थे उनमें से 38 गांवों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के हम लोगों ने उनके जीवन में वास्तविक दीपावली लाने का कार्य किया है। उन्हें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस जिस गांव में हम लोग आए हैं आज से 2.5 वर्ष पहले तक यहाँ पे एक भी पक्का मकान नहीं था, एक भी परिवार के पास अपना शौचालय नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, कुछ भी नहीं था और 2.5 वर्ष के अंदर यहाँ पर हर परिवार के पास अपना पक्का मकान है, हर घर में शौचालय है, हर घर में रसोई गैस का कनेक्शन है, हर घर में अन्य शासन की योजनाएं, राशन कार्ड, अंत्योदय, पात्र गृहस्थी के पेंशन की योजनाओं से आच्छादित लगभग हर परिवार हुआ है। ये शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंचाना पर्व और त्योहारों का यही वास्तविक मंशा रही है और उसी मंशा के अनुरूप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से मैं यहां पर आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अकेले गोरखपुर में 5,000 लोग इस प्रकार की सुविधा से आच्छादित अलग से हुए हैं। आज़ादी के बाद जिन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा गया था उन्हें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार सुविधाओं से बिना भेदभाव के आच्छादित करने का कार्य कर रही है और इसलिए दीपावली का आयोजन का वास्तविक उद्देश्य जहां पर शासन की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कार्रवाई ईमानदारी के साथ हो उसी के तहत ये योजना यहाँ पर उसी के तहत आज हम लोग आए हैं। मैं इन सभी नागरिकों के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि दीपावली के वास्तविक महत्व को हम अपने जीवन में अंगीकार करेंगे और दीपावली का उत्सव हमारे जीवन में यही उत्साह, यही उमंग लेकर के आए कि हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में भी खुशहाली ला सकें।